नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों पर आए इससे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। बीजेपी की बड़ी बैठक कल दिल्ली में होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर ही बैठक बुलाई गई है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ के 5 से 6 उम्मीदवार तय हो सकते हैं, फाइनल हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना। 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, इस प्रकार की खबरें भी हैं। 5 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारना तय है। बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ सांसद विधायक बन चुके हैं, तो इसमें ये माना जा रहा है कि बदलाव होने ही वाला है। कोरबा, बस्तर में बीजेपी को हार मिली थी, तो यहाँ पर भी खास फोकस रहेगा। ये 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हो सकता है कि उम्मीदवार पार्टी की तरफ से बदले जाए। अब 4 मौजूदा सांसद ऐसे भी हैं जिनका टिकट कट सकता है, नए चेहरों को उतारने की भी तैयारी। हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, बताइएगा अंदर खाने छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए कल छत्तीसगढ़ बीजेपी को लेकर एक बड़ी बैठक है दिल्ली में। मुख्यमंत्री साहब खुद वहां मौजूद रहेंगे इस दौरान, और सबसे बड़ी बात है कि 5 से 6 सीट ऐसी हैं जिस पर मुहर कर लग सकती है, जहां पर कोई ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, उन पर कर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 5 से 6 सीटों पर मुहर लग सकती है। ये वो सीटें हैं जो 2019 चुनाव में उनमें से 2 सीटें बीजेपी हार चुकी थी, और बाकी जो 3 सीटें हैं उसके सांसद अब विधायक बन चुके हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये 5 सीट जो है इस पर चेहरे बिल्कुल बदलना तय है। उसके अलावा अगर बात करें बाकी सीटों पर, तो बाकी सीटों पर भी माना जा रहा है जो अभी सांसद हैं उनमें से 4 सांसदों की टिकट खतरे में है। 1 से 2 जो है सांसद उनकी टिकट बची रह सकती है, लेकिन बाकी जो 4 सांसद है माना जा रहा है उनकी भी टिकट यहां पर कट सकती है। 5 से 6 जो अगर हम सीटों की बात कर रहे हैं, तो कोरबा जो कि बीजेपी सीट हारी थी लोकसभा 2019 में, वहां पर कल मुहर लग सकती है। बस्तर सीट पर बीजेपी हारी थी, वहां पर मुहर लग सकती है। उसके अलावा बिलासपुर सांसद अरुण साव अब डिप्टी सीएम हो गए हैं विधानसभा चुनाव लड़कर, वहां को लेकर इस पर मुहर लग सकती है। सरगुजा जो सांसद हैं रेणुका सिंह, मंत्री भी थी, वो अब विधायक बन चुकी हैं, तो सरगुजा पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा रायगढ़ पर भी मुहर लग सकती है। रायगढ़ की जो सांसद गोमती साय हैं वो अब विधायक बन चुकी हैं, तो ये 5 सीट पर कल मुहर लग सकती है। इसके अलावा बाकी सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। एक पैनल तैयार हो चुका है, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बीजेपी की भी बैठक 8 बजे से शुरू होने जा रही है चुनाव समिति की छत्तीसगढ़ में, उसमें भी इस पर चर्चा होगी और फाइनल मुहर कल वहां पर लग जाएगी। माना जा रहा है 5 से 6 सीटों पर अंतिम मुहर लग जाएगी, और 1 तारीख को हो सकता है कि नामों का ऐलान भी कर दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ की 5 से 6 सीट बिल्कुल वहां पर क्लियर है कि वहां पर कल इस पर मुहर लग जाएगी, और 4 सीटों के बारे में जो हम कह रहे हैं कि जहां पर मौजूदा जो सांसद अभी हैं उनकी टिकट कट सकती है, ये जो सांसद हैं उन पे हो सकता है नए चेहरों को उतारा जाए, महिला चेहरों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जा सकती है उन सीटों पर, या फिर पंचायत स्तर के किसी नेता को यहाँ पर प्राथमिकता मिल सकती है। इन फॉर्मूलों पर विचार यहाँ पर हो रहा है, जो हो सकता तो है कि बीजेपी की तरफ से मद्देनजर रखे जाए। अभी देखने वाली बात कि कब तक औपचारिक ऐलान किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए। रायपुर का भी जिक्र कर लेते हैं, जिस बात का जिक्र हम लगातार भी करते आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मोड में। एक बार फिर से बड़ी बैठक को लेकर जानकारी, क्लस्टर और लोकसभा प्रभारियों की बैठक है, लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है। चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। बैठक में किरण सिंहदेव और नितिन नवीन शामिल हुए हैं। चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा भी मौजूद हैं। क्लस्टर की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठकों की, जिस बात का जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, पहले प्रभारियों को लेकर चर्चा और उसके बाद चुनाव समिति की बैठक। से आकाश शुक्ला जुड़ रहे हैं। आकाश, बैठक को लेकर अपडेट दीजिए और चुनाव समिति की बैठक को लेकर जो चर्चा है इस पर भी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और कभी भी जो है आचार संहिता की कभी भी आचार संहिता लग सकता है, और टिकट की घोषणा भी जल्द भाजपा कर सकती है। लेकिन इससे पहले भाजपा जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, मजबूती से अपना पैड बनाना चाहती है। यही कारण है कि लगातार वो जमीनी स्तर पर अभियान में जुटी हुई है। अभी हाल ही में क्लस्टर की बैठक चल रही है, इसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चलेगी, जिसमें लोकसभा की तैयारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी कि कौन से सीट पर क्या स्थिति है, वो सभी जानकारियां संगठन के पदाधिकारी लेंगे। महत्वपूर्ण लोग यहां पर बैठे हैं,
प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहां पर मौजूद है, इसके अलावा नितिन नवीन मौजूद है, पवन साय मौजूद है, संगठन के तमाम लोग मौजूद है। इससे पहले जो है बैठक के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के रथ को रवाना किया है, विकसित भारत संकल्प पत्र के तहत सुझाव मंगाए जाएंगे और वो रथ सभी 11 लोकसभा में जाएगी और उसके बाद उन सुझावों को बीजेपी अमल करेगी। आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने हैं उसके जो मुद्दे बनेंगे वो इसी सुझावों से बने, देश भर से अभियान चलाया जाएगा, तो इस तरीके से तमाम बैठक में रणनीति बन रही है क्योंकि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं, इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे भाजपा के और डिप्टी सीएम रहेंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं बीजेपी कर ली है और इसी इन्हीं लोकसभा तैयारियों को लेकर भी जो बैठक है वो चल रही है। अभी इंतजार रहेगा कि इस बैठक को लेकर औपचारिक तौर पर जरूर कोई रणनीति स्पष्ट हो। बहुत शुक्रिया आपका आकाश फिलहाल अपडेट साझा करने के लिए। तो बीजेपी के अभियान का शुभारंभ भी हो चुका है, विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सीएम साय सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है। लोकसभा चुनाव के लिए जनता के लिए सुझाव रथ भेजा गया है, यानी कि आप इस बॉक्स में सुझाव डाल सकते हैं कि पार्टी को आगे क्या करना चाहिए। सीधा संवाद जनता से किया जा सके, संपर्क साधने का एक तरीका पार्टी का कह सकते हैं। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानकर भारत सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है और इसलिए ये संकल्प पत्र विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान की आज यहाँ प्रदेश स्तर पर हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। 26 तारीख को केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस अभियान की शुरुआत श्री जेपी नड्डा जी कर चुके हैं। और इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र आज खत्म हो गया है। बजट सत्र के दौरान सदन की 17 बैठकें देखने को मिली हैं, कई विधेयकों को भी मंजूरी मिली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया, तय समय से पहले ही ये सत्र खत्म हो गया। बजट सत्र के दौरान 17 दिन सदन की कार्यवाही चली और इस दौरान कई विधेयकों को मंजूरी मिली। प्रदेश में 2024-25 का बजट सदन में पेश किया गया जिसको सदन ने पास कर दिया। इसके साथ ही तृतीय अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दी गई। बजट सत्र को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट में जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही बजट से छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र का विकास होगा। 5 लाख करोड़ के जीडीपी को हमारा 10 लाख करोड़ की जीडीपी में पहुंचाना है, हमारा मिड टर्म टारगेट है और उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस को आधार बनाया है। जो पिछले 5 साल थे वो माफिया राज के 5 साल थे, इसलिए भ्रष्टाचारियों के जेब में ज्यादा पैसे जा रहे थे, सरकार के खजाने में कम पैसा जा रहा था। वहीं बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने मुद्दा सदन में शून्यकाल के दौरान उठाया। आज शून्यकाल में मैंने ये मामला उठाया था। बहुत दिन से हम लोग कानून व्यवस्था को लेकर मामले उठा रहे हैं। सबसे पहले एक महिला की मौत, बच्चे की मौत, वैगा परिवार की मौत, गाय की मौत, ये सारे कानून व्यवस्था को लेकर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और कल अब एक नई चीज सामने आई कि पुलिस भी इस स्टेट में सेफ नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने कल थाने में जाकर एक प्रशिक्षु डीएसपी को देख लेने और तुम कैसे करोगे इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी भी है, तो बहुत ही अराजकता का माहौल है। और उसी समय वहां के आईजी सरगुजा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहां थाने में यह तमाशा चल रहा था। 9 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र को 2 मार्च तक चलना था, लेकिन तय समय से 3 दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नई सरकार का पहला बजट सत्र 17 दिनों तक चला। आकाश शुक्ला, News 18 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में घिरते जा रहे हैं। पहले शिव डहरिया की पत्नी पर जमीन पर कब्जे के आरोप लगे और अब अमरजीत भगत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विवाद को कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बदनाम करने की साजिश बता रही है और दूसरी तरफ बीजेपी इसे सोची समझी रणनीति करार दे रही है। देखिए,
चुनावी साल में छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेताओं की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। ताजा मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जुड़ा मामला सामने आया, जो जमीन कब्जाने के विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। अमरजीत भगत पर करीब 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और उस पर अपना सरकारी कार्यालय बनवाने का आरोप लगा है। इस पर पूर्व मंत्री की सफाई भी आई है। सर उपयोग कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है? उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ? आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था तब तक मैं अपना उपयोग किया, अब सामूहिक उपयोग के लिए है। सर उपयोग कोई अपने नाम से पट्टा तो मैंने नहीं बनवाया है, तो लोगों को क्यों इस बात से इतना तकलीफ है? उनको जब मैं मंत्री था, सरकार में था, हमारे उसका उपयोग किया, सरकारी पैसा से बना, मैं उस बात से इनकार कहाँ कर रहा हूँ? आज गार्डन बना है, सब उठिए बैठिए घूमिए। अगर भवन बना है, जब तक था तब तक मैं अपना उपयोग किया, अब सामूहिक उपयोग के लिए है। चरागाह की जमीन पर कब्जा किया, जमीन पर आलीशान ऑफिस बनवाया, कब्जा कर सरकारी दफ्तर बनवाया, जमीन पर मंदिर ओपन गार्डन बना, चरागाह की जमीन पर ऑफिस कैसे बना, निर्माण की राशि किस विभाग ने खर्च की, पहले ऑफिस हैंडओवर क्यों नहीं किया गया, ऑफिस में लगे एसी अब क्यों निकाले गए? अमरजीत भगत पर जमीन कब्जाने के लगे आरोप को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि संभावित प्रत्याशियों को बदनाम करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। के जितने भी कांग्रेस में संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके घरों में छापे लग रहे हैं, उनके संपत्ति पे छापे लग रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं, जो भी हमारे फाइनेंसर हो सकते हैं, सभी को घेरने का उनका प्लानिंग है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विधानसभा में माना कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अवैध निर्माण किया। उसे पिछली कांग्रेस की सरकार को मैंने कहा कि वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, वहीं तुम्हारे दस्तखत हुए, जो फैसले अक्सर गलत हुए। तो ये कोई संयोग मात्र नहीं था, कोई इंसिडेंट मात्र नहीं था कि पिछली सरकार ने जहां जहां दस्तखत किया और वो गलत होता चला गया। ये रिमोट से चलने वाली सरकार थी और उससे साजिश के तहत भ्रष्टाचार को प्रमोट करने के लिए, अपने जेबों को भरने के लिए इस तरह के दस्तखत किए गए। इस दृष्टिकोण से हमने पॉलिटिकल अटैक भी किया। इससे पहले एक और पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लग चुका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को एक और मुद्दा मिल गया, कांग्रेस को घेरने का। ममता लाजिवार, न्यूज 18 रायपुर। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया था। इस पर छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा ने पुष्टि कर दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इस मामले को देख रही है। 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। 25 फरवरी की शाम को पहुना में सीएम कक्ष के बाहर पिस्टल लेकर शख्स पहुंचा था। अब तक 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके हैं। साथ है डीजी अशोक जुनेजा। सर एक घटना हुआ है आज, वो क्या था और क्या एक्शन लिए गए? उसमें एडीजी गुप्त वार्ता ने काफी अच्छा एक्शन लिया है, जो गलती को निंदा अधिकारियों के खिलाफ और आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसको इंश्योर करेंगे। सर और इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। देखिए सीएम सिक्योरिटी में एक युवक पिस्टल लेके मिलने जाता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक घटना है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर ये सरकार आम जनता को कैसे सुरक्षित रखेगी? हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अपराधियों का हौसला बढ़ा हुआ है।
और कवर्धा में युवक कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारत माता चौक में सभा के बाद रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोक लिया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक कांग्रेस जो बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध, ये तमाम चीजें विषय रही इस पूरे आंदोलन का। पुलिस के साथ झड़प की भी जानकारी सामने आई है। ये तस्वीरें आपकी चीजें इस प्रदेश के गृह मंत्री एवं कवर्धा विधानसभा के विधायक के क्षेत्र में बेलगाम अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पहले सादरा में यादव की हत्या कर दी जाती है, नागर डबरा में राष्ट्रपति की दत्तक बुद्ध आदिवासियों की परिवार की हत्या हो जाती है, फिर हद हो जाती है जब एसपी ऑफिस के 100 मीटर दूरी पे दो महिला लाश मिलती है। प्रदेश की सरकार बने 3 महीने हुए हैं, गृह मंत्री का क्षेत्र है बेलगाम अपराध। दूसरा, जो हर वर्ग को सरकार के द्वारा वादा किया गया था मोदी। और रायपुर में दिलीप आडवाणी हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। 12 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व सरपंच लालाराम बंजारे और जयप्रकाश गुप्ता को सजा हुई है। पूर्व सरपंच ने झारखंड शूटरों को 10 लाख की सुपारी दी थी। राजधानी में प्रॉपर्टी डीलर दिलीप आडवाणी की हत्या की गई थी। इस मामले में अब जाकर कोर्ट की तरफ से फैसला। और धार सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण समेत कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और ये पूछा है कि आखिर कंपनी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर रोक लगाई। कंपनी के आगामी विज्ञापनों पर भी रोक है। विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसके बाद ये फैसला सामने आया। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।